सो वेलकम बैक टू माई चैनल द अंबरी। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन पंजे और मोहरी का शेयर करने जा रही हूँ, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कैप्री की कटिंग जो है वो कर ली हुई है। अगर आप कैप्री की कटिंग, शलवार की कटिंग, पैंट ट्राउज़र की कटिंग आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 इंच कैप्री में नीचे फोल्डिंग के लिए रखा था, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिक ग्लू लगाई है इसको और सिक्योर, इसको पक्का करने के लिए, तो ये तुरपाई करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी पे ड्राफ्टिंग सीखी है जो कि मैंने यहाँ पे रख के, तो इसको पेस्ट करूँगी यहाँ पे। तो इसको प्रेस करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि ये ड्राफ्टिंग हुई कैसे है। तो इसके लिए हम एक पीस लेंगे पेपर पट्टी का, जिसको सबसे पहले तो हाफ पे लाइन लगाएंगे। हाफ मैंने कुछ इस तरह से किया है कि पेपर पट्टी फोल्ड करके फुट रख के इसको खोला, तो ये जो हो चुका है हाफ। तो इस अब लंबाई में इसका हाफ करेंगे तो ये है 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 4 पे निशान लगा के इसको हाफ किया है मैंने इसका। अब मैंने यहाँ पे 3 पे रख के, तो एक 6 पे निशान, एक 0 पे, तो इसके बाद 1.5 इंच पे, फिर 1.5 इंच पे, तो इस तरह से 6 पे, फिर 1.5 इंच पे, इस तरह से लगा के निशान। तो इसको लाइन लगा के, तो इसको बॉक्सेस डिब्बे बन चुके हैं ये। तो अब ये जो इसमें फासला रखना है तो उस वो मैं रख रही हूँ 3/4, 1 इंच से थोड़ा सा कम। तो इस तरह से इस तरफ निशान लगाया, तो दूसरी तरफ भी 3/4 पे निशान लगा के, तो इसको इस तरह से लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये जो हम ये सर्कल प्लास्टिक के, ये इसको छल्ले कहते हैं, ये रखेंगे, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ये जो सीधी लाइन हम दरमियान में है, इसका हाफ करके यहाँ पे क्रॉस मैंने बनाया है, तो यहाँ पे इनको रखते जाएंगे ऐसे। अब ये देखें, इसका दरमियानी फासला भी 1 इंच है क्योंकि ये 1/4 इंच का है, और इसका ये जो चौड़ाई है यहाँ पर भी 1 इंच ही फासला है इन सब में। तो यहाँ क्रॉस पे हम लगाएंगे, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ज़रा ऊपर है, तो इसको मैं निकाल के यहाँ से, तो नीचे से ये कट करूँगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा, पहला स्टेप जो है पंच से ज़रा ज़्यादा ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके, तो मैं दोबारा से इसका मिड हाफ ध्यान में रख के, तो यहाँ पे इसको दोबारा से पेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये हो चुका। तो इसके बाद हम यहाँ पे किसी भी नुकीली से पेंसिल से इसमें सुराख करेंगे। सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं करना, जितना हमने इसके ऊपर रिंग लगाना है उतना ही हो, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कैंची वगैरह से कट नहीं करना। तो इस तरह से मैं इस पर सुराख करके, आप देख सकते हैं मैंने इस पे सुराख कैसे किया है। तो इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक की रिंग है, ये जो मिरर वर्क में यूज़ होते हैं, ये वो है। तो यहाँ पर मैं इसको यू लगा के, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद हम जब सुई धागे पे इस पर काम करेंगे तो ये हिलेगा नहीं, अपनी जगह से भी नहीं हिलेगा नहीं, तो हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह से इसको लगा के, तो अब ये यहाँ पे ये जो 4-8 यहाँ पे होल हमने करने हैं, ये इसी तरह से करके पेंसिल के मदद से हम इसको होल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे रिंग जो इसके ऊपर लगानी है उसको यूहू लगा के यहाँ पे रेडी कर लेंगे इसको। इसी तरह से सारे यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे ये एंकर का धागा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पे मोटा धागा भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऊन वाला जो 2 प्लाई में होता है, उससे जल्दी ज़रा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ एंकर का ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ। तो उसको ये देखें, मैंने यहाँ रिंग के साइड में से निकाल के, तो अब सुराख के अंदर में से यहाँ पर बिल्कुल जो पहले स्टिच लगाए हैं उसके बिल्कुल साथ में से ये घिरा की तरह, ये इसको काट स्टिच भी कहते हैं, इसको ब्लैंकेट स्टिच भी कहते हैं, कंपल स्टिच भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम हैं इस स्टिच के।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह से ये जैसे गिरा लगती है वैसे लगता जा रहा है, और इसी तरह से इस पूरे को बना लेंगे। ये वाइट रिंग पूरा छुप जाएगा ये धागे में। ये डिज़ाइन हम पंचे पे भी बना सकते हैं, हम मोहरी पे बना सकते हैं, गले के आगे बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत प्यारा और यूनिक डिज़ाइन बनेगा। एक्चुअली मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक मुझे आइडिया आया कि मैं जो हम शूज़ पे लेसेस बंद करते हैं वैसे ही चीज़ अगर हम कपड़े पे बनाएंगे तो कैसे बनेंगे। तो जो आइडिया था उसको मैं एक्चुअली मैं कर रही हूँ, तो मुझे ये प्यारा लगा बना के। तो आप भी ट्राई करिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। ये मैंने पहले रिंग के बिना भी पहले बनाया था, तो उसमें वॉल्यूम नहीं था। अगर आप रिंग में इसको बनाएंगे तो ये चीज़, ये जो सुराह है ये थोड़ा प्रोमिनेंट भी हो जाएगा और इसमें थोड़ा वॉल्यूम आएगा। तो ये इस तरह से बैक साइड से इस तरह से नज़र आएगा, और फ्रंट साइड से भी आप देख चुके हैं। तो इस तरह से इन सब को ऐसे ही बना लेंगे। अगर आप ये वाला डिज़ाइन मेरा बनाया हुआ आप ट्राई करते हैं तो मुझे आप इंस्टा पे इसकी पिक भी भेज सकते हैं। मुझे यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम पहले समझ नहीं आई तो यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा फिर बता रही हूँ कि यहाँ बिल्कुल रिंग के साथ में से ऊपर ला के धागे को, तो जो सुराह है उसको इस तरह से, तो इस तरह से इसको स्टिच ये ऐसे लगाएंगे। अब दोबारा भी हम इसी तरह से सुराख के अंदर में से इसके बिल्कुल साथ इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये हो चुका है मेरा रेडी। तो यहाँ पे इसको, ये जो पीछे पेपर पट्टी है इसको हम कट भी कर सकते हैं, और ये वाश होके वैसे भी रुई बन के निकल जाएगी। तो ये जो है हम इसमें अब डोरी डालेंगे। ये मैंने ली है, ये मैंने 4 दफ़ा फोल्ड किया, और ये है 9 इंच। तो इसको हम इसके अंदर, अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है आप तस्मे कैसे बांधते हैं। तो इनको वैसे ही इसमें डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे ये जो डाला है ये मुझे डाला तो है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे आप गिरा ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो मैंने लेसिस बांधे हैं ये मुझे डिज़ाइन पसंद आया है, तो ये इसी को मैंने डन किया। तो अब यहाँ पे इसके डोरी के साइडों पे ये जो मैंने बनाया है ये बनाएंगे। तो बैक साइड से मैंने कटिंग कर दी हुई है, तुरपाई नीचे कर दी हुई है। तो इसके बाद ये जो चीज़ है मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा इसके ऊपर इसमें ये डोरी को इस तरह से रख के इसको इस तरह फोल्ड करके, तो अब यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई कुछ इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ तिरछी, शुरू में से एंड से इसको फुल को पक्का करना है लाजमी। इस तरह से करके, तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें धागे को कट करने के बाद इसको भी ऐसे कट कर देंगे। अब इसको टर्न करेंगे, इसको खोलेंगे बाहर की तरफ, तो ये कुछ इस तरह से लग नज़र आएगा। अब जितना हमें चाहिए ये उतना हम रख के तो इसको कट कर देंगे। ये गोलाई की शेप में जो कट हुआ है इसमें बिल्कुल धागे नहीं निकलेंगे। तो ये हो चुका है मेरा रेडी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो ट्राई करें और मुझे भी दिखाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।